जी आज की महफिल पे मैं आज के दूल्हा जनाब फराजुर रहमान को, जो कार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के रूए रवा भी हैं, उनको मुबारकबाद पेश करूंगा और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने आज गौर नया फार्म हाउस के ऊपर इतना खूबसूरत इवेंट जो तो सजाया और इतने कराची शहर के मशहूर गुलकारों को आज बुलाया और इतनी तमाम कपल्स में देख रहा हूँ कि कराची शहर में इतने बेचैनी है, लोग परेशान हैं, उस परेशानियों को ख़त्म करके ये म्यूजिक के जरिए आज पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ने पीपीजी के जो फरानुर रहमान साहब हैं और उनके साथ जितने कुलीग्स हैं, जितने दोस्त हैं, उन सब की काविशों को मैं सराहूंगा और उम्मीद करूंगा कि कराची के लोगों के लिए, कराची के दोस्तों के लिए इस किस्म की महफिल जो है तो मजीद होनी चाहिए ताकि जब ये मेंटली रिलैक्स होंगे तो अपने कारोबार को बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। नाम शकील अहमद डिंगड़ा है, मैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, गौर के साथ मैं भी वाइस प्रेसिडेंट था। अच्छा, ये एक्चुअली आजकल जो कारोबारी हालात हैं और इकोनॉमिकली हालात हैं वो बहुत टेंस जा रहे हैं मुल्क के जो हैं, और कोई अच्छाई थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, IMF से वायदे नहीं हो रहे, तो वो टेंशन को दूर करने के लिए ये जो एक माहौल बनाया गया है ये बहुत अच्छा है, इंसान को टेंशन से दूर करेगा तो आदमी फ्रेश होगा, तो वो और अच्छे तरीके से जो है वो मसाइल को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए इन हालात में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यासिर शम्स है और मैं फर्स्ट टाइम बिजनेस ग्रुप किया है, मैंने ज्वाइन किया है। इट्स अ वेरी लवली इवेंट और ऐसे इवेंट होने चाहिए, सोशल गैदरिंग ज़रूरी है ताकि लोगों के दरमियान ताल्लुकात बनते हैं और फैमिली गेट टुगेदर होती है तो फैमिलीज के साथ भी ताल्लुकात बनते हैं। अच्छा खाना हो, अच्छा गाना हो तो ये खुशी का मौका होता है, दैट्स अ गुड थिंग। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ज़बरदस्त प्रोग्राम कराया फयाज़ुर रहमान साहब ने, उनका बड़ा मशहूर है जी, और इंशाल्लाह प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है तो इंशाल्लाह रात भर चलेगा, इंजॉय करेंगे, आप लोग भी कीजिएगा जो लोग आए हैं यहाँ पे। थैंक यू, टेक केयर जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकरम खान कुवाटी है और फराज भाई का ये एक आज इवेंट है पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और काटी के प्रेजिडेंट हैं हमारे फराज भाई। इन्होंने एक साल किया था तो उसमें एक मेरिट में प्रोग्राम हुआ था जो एक कॉरपोरेट डिनर का नाम दिया गया था, तो उसी की खुशी में और कुछ गेस्ट के ऑनर के अंदर उन्होंने फिर वहाँ पर प्लान किया था कि हम जो है ना इंशाल्लाह ताला एक आउटिंग करेंगे और फैमिली गेट टुगेदर करेंगे, कि फैमिली गेट टुगेदर के साथ साथ जो है ना यहाँ पर जो है ना एक हमने यहाँ पर एक म्यूज़िक गाला रखा है जिसमें हमने इसको गज़ल नाइट के नाम से यहाँ पर जो है ना एक तकरीब रखी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं पुरउम्मीद भी हूँ और फराज के लिए बहुत दुआगो भी हूँ कि बहुत एनर्जेटिक एक हमारा ये भाई है जो कि हम लोगों को कुछ ना कुछ इवेंट जो है ना करके देता रहता है, तो इंशाल्लाह ताला बस देखिएगा तकरीब का आगाज़ जैसे ही होगा तो आप लोग इंजॉय करें और दुआ में याद रखें कि इंशाल्लाह ताला इसी तरह से सिलसिला जारी होता रहे। शुक्रिया। सर्विस से आज के डिनर हम लेटेड हैं और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है फराज भाई ने, काफ़ी सारे कंपनीज के लोग यहाँ पर आए हुए, काफ़ी सारे कॉपरेट लोग हैं और ये एक फैमिली इवेंट है, उन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की, जितने जो कॉपरेट क्लाइंट बेसिकली मिलते रहते हैं आपस में, लेकिन आज उन्होंने फैमिली को इकट्ठा किया, उनको मिलाया और होपफुली बेस्ट, गुड लक फॉर फराज भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, चौधरी अली असगर है और आज का इवेंट बेसिकली फैमिली गेट टुगेदर और प्लस बिजनेस वाला तो अपनी जगह है, मगर इसमें अच्छा एक वो ऑप्शन रखा है कि फैमिली गेट टुगेदर भी है और सबके साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप होता है और बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज भी किया गया है और फराज साहब ने बहुत अच्छा एक सिलसिला किया है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, टेक केयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, फैसल महमूद, डायरेक्टर ऑफ डिलीवरी 3 टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली आज माशाल्लाह फराज साहब ने एक और महफिल बड़ी जल्दी विद इन अ मंथ, पिछले 3 महीनों के अंदर चौथा इवेंट है इनका और नया इवेंट पिछले इवेंट से काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह, और नेटवर्किंग के पॉइंट से बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है PBG का, तो मैं इस इंटरव्यू की तरफ से लोगों से कहूँगा कि जो ये सुन रहे हैं और PBG को ज्वाइन करें ताकि उनकी नेटवर्किंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़े आगे, और बाकी एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो माशाल्लाह कभी क्वाली नाइट होती है, कभी गजल नाइट होती है, फैमिली गैदरिंग वगैरह भी साथ चल रही होती है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ फैसल हमीद, एग्जीक्यूटिव मेम्बर पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का भी मैं मेम्बर हूँ। आज बड़ा अच्छा जो है ये प्रोग्राम पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ने जो है
एक्सपोजी को ऑर्गेनाइज किया है और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त फार्म हाउस में ये किया है। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, फैमिलीज आई हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि बात यह है कि हम लोग सारा जो है वो दिन अपने बिजनेस में, काम में, कारोबार में, इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं, तो कोई हेल्दी और कोई अच्छी किस्म की इंटरटेनमेंट चाहिए होती है। तो ये ख़ास तौर पे रखा है ये प्रोग्राम कि आप इसमें इंटरटेनमेंट भी हो, बिजनेस की बातें भी हो और अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन भी हो, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। मैं पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के अपने फराज भाई को ख़ास तौर पे इसका जो है क्रेडिट देता हूँ। उसके साथ वही साहब, अली अज भाई, नासिर भाई, पूरी पीबीजीओ फैमिली, टीम नहीं कहता हूँ मैं, फैमिली है ये। इन फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। आज के इवेंट के हवाले से मैं यही कहूंगी कि फराज रहमान सर ने अगेन फिर से एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए काम के साथ साथ, तो ये बहुत अच्छा फैमिली इवेंट है और यहाँ पे हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और क्या कहूँ, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा, आप खुद भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलफरा बतूल, आई एम एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक डिनर ऑर्गेनाइज किया हुआ है फार्म हाउस में सबकी फैमिलीज़ के साथ। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सबके साथ एंटरटेन हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन हो रहा है और ये गैदरिंग जो है वो बहुत अरसे बाद लोगों को मिलती है, तो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की एक बहुत अच्छी काविश थी आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए। और हमने यहाँ पर एक गज़ल नाइट भी ऑर्गेनाइज़ की हुई है, आई एम श्योर आप लोग एंटरटेन होंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम फवाद शेख है, मैं बोर्ड मेंबर हूं और हमारा जो ये प्रोग्राम है ये जिस तरह हमेशा से पीपीजी दो तीन महीने में एक आध बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इस मरतबा जो है वो डिनर के साथ इन्होंने म्यूज़िकल प्रोग्राम को भी इनकॉर्पोरेट करना है ताकि फैमिलीज़ को भी आपस में मिलवाया जा सके। इट्स अ फैमिली इवेंट और जो है इससे बेसिकली दोस्तियों में भी इजाफा होता है, फैमिली रिलेशनशिप में भी इजाफा होगा और लोगों को एक अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। आपको पता है पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऐसी एक्टिविटी करता रहता है और करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग को इंटरटेन भी चाहिए ना, कि हम लोग काम से थके हो जाते, तो हम लोग पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप हमेशा उनका ये है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम होता है कि हम लोग को, आज तो देखिए फैमिली इवेंट है कि हम फैमिली के साथ भी इंजॉय करेंगे, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है हम लोग के लिए आगे के लिए और हम लोग प्रमोट भी करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के बिजनेस को, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खुर्रम अनीस है और मैं पीबीजी की कोर कमेटी के अंदर होता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पीबीजी की एक रिवायत रही है कि माशाल्लाह जब से पीबीजी अपने वजूद में आई, पीबीजी ने माशाल्लाह माशाल्लाह से एक्सेलेंट गेट टुगेदर्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए और कराची की बिजनेस इलीट क्लास, बिजनेस क्लास को हर जगह पीबीजी ने एक अंडर द वन प्लेटफॉर्म लेकर के आई, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की और कराची की खास करके जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको भी बड़ा इससे फ़ायदा हुआ और माशाल्लाह से पीपीजी का जो मकसद है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस जो क्लास है उनको आपस में एक दूसरे के साथ मिला के फैसिलिटेट किया जाए और ख़ास करके जो पाकिस्तान की जो बिज़नेस ब्यूरोक्रेसी है और जो मुख्तलिफ फोरम और हैं जिसपे कि हमारे बिजनेस मैन को और हम पीपीजी के मेम्बर्स को जो है वर्क टू डू जो है वो ईजी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन चल रहा है और उम्मीद है कि और अच्छा आगे भी होगा, तो इस किस्म के इवेंट आइंदा भी करते रहेंगे और माशाल्लाह पिछली हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी रही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल रबी इकबाल है और मैं अभी बीएस इकोनॉमिक्स लॉ एंड आईआर पढ़ रहा हूँ। रिसेंटली अभी जो सिंध में फ्लड्स आए थे तो उसकी जो रिलीफ वर्क था उसमें मैंने जो है ना बेसिकली सेवर में पाकिस्तान एयरफोर्स साथ मिलकर हमने उनको वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए थे और उसमें हमने उनकी काफ़ी हेल्प की थी। दूसरी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हमने काफ़ी ज़्यादा रिलीफ वर्क प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से काफ़ी तो लोगों की मुश्किल थोड़ी बहुत कम हुई थी और हमने बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमने उनकी जो ये जो मदद थी, जो इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी थी, हमने उनकी कोई खास मदद थोड़ी बहुत की है। तो बाकी उसके अलावा आगे का मैं तो अभी बेसिकली वॉलंटियर वर्क जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे शुरू की थी अभी हम उसी को एक्सपेंड करने की कोशिश में है कि उस टाइम सेवन में थे और अभी हम अपने ऑपरेशंस दूसरे शहर में भी फैला रहे हैं, सांगर में और नवाबशाह में और सखंड में और कराची में हमने कुछ वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने कॉन्टैक्ट में रखा है
और इंशाल्लाह बाकी फ्यूचर में तो हमारा यही प्लान है कि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपनी बढ़ाएंगे और दूसरे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर करके हम थोड़ा मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। आज बेसिकली हमने फैमिली डिनर एंड म्यूजिकल नाइट रखा है ताकि अभी हमारा बहुत कामयाब इवेंट हुआ था लास्ट मंथ, तो ये इसलिए कि हम अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे हैं, थोड़ा सा देना अपने आप को फ्रेश करो, ये बिल्कुल फैमिली इवेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्कान बलोच और एज अ सिंगर मैं यहाँ पर इन्वाइटेड हूँ। ये पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप जो हमेशा सबसे पहले रहता है और हर काम में फराज रहमान साहब जो हैं वो सबकी कहते हैं ना कि एक आवाज़ बनके हर जगह पे सबके साथ रहते हैं, और ये बिज़नेस जो ग्रुप है ये बना हुआ है ये न्यू जनरेशन के लिए, सबको अवेयरनेस देने के लिए। तो आज यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एहतमाम किया गया है पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप की तरफ से, और ये म्यूज़िकल नाइट है, गज़ल है और डिनर है, बाकी सारे काफ़ी सारे यहाँ पर दोस्त हैं, आप देख रहे हैं मेहमानों की रवानगी है, आ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। इन्जॉय तो करेंगे, जाहिर सी बात है, माशाल्लाह फराज साहब ने जो इतना प्यारा यहाँ पे डेकोरेट किया है और इतना प्यारा एहतमाम किया है अली भाई ने और फराज भाई ने, तो फिर जाहिर सी बात है हम सब मिलके इन्जॉय ज़रूर करेंगे, आप भी इन्जॉय कीजिए। जी मारिया, क्या कहेंगी आज के इवेंट के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं और बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, बहुत फ्रेश हैं आज आप, क्योंकि आपको पता है कि आज ज़बरदस्त जो है हम लोग इन्जॉय करने वाले हैं मिलके, और ये बिल्कुल एंटरटेनमेंट यहाँ अभी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर गज़ल नाइट भी रखी है और हम इस वक्त हैं फार्म हाउस पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया है। ये फैमिली गैदरिंग है बेसिकली, और इस तरह के इवेंट्स होते रहना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैं पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप का हिस्सा हूँ और मैं आर्ट एंड कल्चर की चेयरपर्सन हूँ पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप की। तो ये एक साल से मैं मुंसलिक हूँ पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप के साथ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन लोगों के साथ मिलके। ये है कि ये लोग जो है ना कॉपरेट करते हैं, सारी टीम बहुत मेहनत करती है और ये सारा क्रेडिट जाता है फराजुर रहमान साहब को। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनके इस एफर्ट को, और आज भी हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त और रंगारंग इवेंट जो है मुनक्किद किया है पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की टीम ने। सारी फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं और अभी आना स्टार्ट हो गए हैं और गज़ल नाइट भी साथ रखी है हमने। तो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसको एक साल हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह इससे बहुत सारे लोग मुंसलिक हो गए हैं, बहुत से डिफरेंट फील्ड से जो रिलेटेड हैं वो आके पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के साथ ज्वाइन हो गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप इन चीज़ के मौके देता है कि आएँ और हमारे साथ मिलकर कारोबार करें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये इस तरह का नहीं है कहीं कि आप आएँ हमारे साथ मिलकर कारोबार करें, क्योंकि आजकल आपको पता है कितना ज़्यादा डिप्रेशन है, बंदा कितना डिप्रेस रहता है कि कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, और इसी वजह से जो है स्नैचर्स पैदा हो रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि लोग जो हैं वो गलत तरफ निकलने से बेहतर है कि वो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप आके ज्वाइन करें और अपने मसले हमें बताएं, क्योंकि फराजुर रहमान साहब ऐसे हैं कि वो हर फील्ड के बंदे को अपने साथ काम करने के लिए दावत देते हैं। तो ये सारा क्रेडिट जो है फराज भाई को जाता है, और मेरी दुआ है कि ये पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप और तरक्की पे तरक्की करे और पूरे वर्ल्ड में इसका नाम हो। तो आज जो है गज़ल नाइट आप इंजॉय कीजिएगा और डिनर भी इंजॉय कीजिएगा, और फार्म हाउस तो है ही ज़बरदस्त प्लेस। चले अपना ख्याल रखिए बहुत सारा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहवेज इकबाल है और ये मेरी बहन है अरुमा शानजे इकबाल। हम लोगों ने अभी जो नेशनल गेम्स हुई थी 34th नेशनल गेम्स, उसमें हम लोगों ने सिंध को रिप्रेजेंट किया, और उसके अंदर मैंने विंड सर्फिंग के अंदर जो उसमें कैंडिडेट्स काफ़ी कम थे लेकिन सिंध की तरफ से अंडर 25 में सिर्फ मैं अकेला कैंडिडेट था, और मेरी बहन ने अरुमा शानजे ने लेज़र के अंदर विंड उसमें सेलिंग के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तो हम लोगों ने इतनी पोजीशंस नहीं स्कोर की, लेकिन इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज वील डू मच बेटर। जी शानजे आप क्या कहें? मैंने इस 34 नेशनल गेम्स में वुमेन की कैटेगरी में मैं 13 ईयर ओल्ड जो है मैंने रिप्रेजेंट किया था सिंध को। जी हवा बहुत तेज थी, थोड़ा सा हार्ड था बट मैंने मैनेज कर लिया था, हाइट की वजह से मेरी बहुत अच्छा था, 5 थे तो उसमें मेरी आ गई थी 4th। ये पी एफ याट क्लब में हुआ था कोरंगी में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबील गौहर है और मैं आज के इवेंट के बारे में आपको खैर दावत भी दूंगा, आए हैं आप लोग। ये हमने छोटी सी म्यूजिकल नाइट रखी है,
जिसमें हमारे पास सिंगर का मैं नाम भूला हूँ, मारिया और मुस्कान आ रहे हैं। आप सबको मैं दावा देता हूँ, आप लोग आए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आ जाए, सब आ जाए, मसला नहीं है। बिजनेस ग्रुप ने बहुत अच्छा ये रखा है, इसके ऊपर फराज भाई के नाम, इसके ऊपर काफी टाइम से मेहनत हो रही है। और बाकी आप लोग आएंगे तो फिर आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच।